है, तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट इलेक्ट्रिकली विथ ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। किसकी वजह से होगा अट्रैक्ट या रिपेल? बिकॉज ऑफ द चार्ज। अब चार्ज अपने आप में क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, नंबर वाली वैल्यू तो होगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। यूनिट क्या होती है चार्ज की? डिनोट कैसे करते हैं इसको? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। कैसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। दो तरह के चार्जेस होते हैं। कितने तरह के चार्जेस होते हैं? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कब बनेगा? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नेगेटिव चार्ज कब बनेगा? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। जब हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो देखो हम लोगों ने चार प्रॉपर्टीज लिखी। कितनी प्रॉपर्टीज लिखी है? चार। ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट लाइक चार्जेस रिपेल। दिख रहा है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि प्लस माइनस को क्या बोलेगा? आ जा। प्लस माइनस प्लस को क्या बोलेगा? आ जा। प्लस प्लस को क्या बोलेगा? चल भाग। माइनस माइनस भी क्या बोलेगा? चल भाग। ठीक है ना। तो अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस। जब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। क्या बोलती है? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग मैथ्स के नंबर एडलेस कर सकते हैं, प्लस और प्लस को प्लस करते हैं, प्लस और माइनस को माइनस करते हैं, लेकिन लेकिन साइन किसका आता है? जो बड़ा हो। प्लस बड़ा होगा तो प्लस का साइन आएगा, माइनस बड़ा होगा तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना। तो जब दो चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब दो चार्जेस को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो चार्जेस बिल्कुल वैसे ही एडलेस होंगे जैसे मैथ्स के क्या होते हैं? इंटीजर्स एडलेस होते हैं। यानी कि -5 और -2 क्या हो जाएगा? -7। -5 और +2 क्या हो जाएगा? -3। +5 और -2 क्या हो जाएगा? +3। +5 और +5 क्या हो जाएगा? +10। क्लियर है क्या? ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं कि चार्जेस कंजर्व होते हैं, जब हम लोग क्या कहते हैं? चार्जेस कंजर्व होते हैं, तो इस बात का मतलब क्या होता है? दैट चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में चार्जेस ना ही क्रिएट होंगे और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। यानी कि जब चार्जेस बनेंगे तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। चार्जेस जब बनेंगे तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यानी कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी? चार्जेस आर क्वांटाइज। चार्जेस आर क्वांटाइज यानी कि जब भी एक और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब भी कौन ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो हमेशा होल नंबर में होंगे। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ट्रांसफर हो सकता है, दो ट्रांसफर हो सकते हैं, 100 ट्रांसफर हो सकते हैं, 50 ट्रांसफर हो सकते हैं, 55 ट्रांसफर हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन 0.5, 0.75, 0.25, 0.37 डेसिमल और फ्रैक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होंगे। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी नहीं? जब हम लोगों ने बोला क्या कि चार्जेस क्वांटाइज होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। जब चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? ट्रांसफर होगा, तो वो हमेशा होल नंबर पे रहेगा। तो चार्ज का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? क्यू इज इक्वल्स टू एन ए। चार्ज का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा?
इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या होगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, 1.6 × 10⁻¹⁹ ये वैल्यू तुमको लर्न बाय हार्ट करनी है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। आई बात समझ में? अब ये हमारा पहला फॉर्मूला है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हमारा पहला फॉर्मूला है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे, कैलकुलेट द चार्ज व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्जेक्ट ने क्या करे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, कितना नेगेटिव 20 × 1 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से जरा देखो, हमने जो ये पार्ट ए लिखा है इसपे क्यों क्या है चार्ज, दिस शुड बी इक्वल टू एन इनटू ई, यहाँ एन का वैल्यू कितना है 20, एन का वैल्यू कितना है 20, ई का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -32, कितना आ जाएगा क्यू माइनस, क्योंकि एटम ने इलेक्ट्रॉन या ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके जो चार्ज रिजल्टिंग चार्ज आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर। सेकंड देखो, बी वाला कोड पार्ट बोला लूजेस 40 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला लूजेस, ठीक है, अब क्योंकि उसने क्या करा इलेक्ट्रॉन लूज करे, अब उसने क्या करा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो अब वो चार्ज कौन सा गेन करेगा पॉजिटिव, अब वो चार्ज कौन सा गेन करेगा ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे उसने 40, तो 40 × 1.6 × 10⁻¹⁹ करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो जो रिजल्टिंग चार्ज इस पर आएगा वो कितना आएगा 64 × 10⁻¹⁹। इज दैट क्लियर, बोलो कोई परेशानी नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो, गेन्स 5 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गेन्स 5 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने देके रखे हुए 5 × 10⁻¹⁹, चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ × 5 × 10⁻¹⁹, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा −8 × 10⁻²। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लूजेस 12 × 10⁻¹⁶ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रहा है लूजेस 10 × 10⁻¹⁶ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे चार्ज कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 12 × 10⁻¹⁶ इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁶ −10⁻¹⁹ कूलम्ब, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा चार्ज का। एक बार चारों क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम आए तो मुझसे हाथों हाथ पूछ। अब चार्ज के बाद जो हम अगली चीज पढ़ेंगे वो क्या है करंट, चार्ज के बाद जो अगली चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है करंट। जब हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं तो हम लोग करंट को क्या बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी लाइफ में वर्ड आ जाएगा रेट, जब भी लाइफ में वर्ड आ जाएगा क्या रेट, उसका मतलब होगा डिनोमिनेटर में टाइम, उसका मतलब क्या होगा डिनोमिनेटर में टाइम, ठीक है। इसका दूसरा टाइम डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि ये होता है क्रॉस सेक्शन, ये गोला दिख रहा है, ये होता है क्रॉस सेक्शन, एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हुआ वो मुझे क्या दे देगा करंट, एक सेकेंड में इस चार्ज से कितना करंट पास, कितना चार्ज पास हुआ वो मुझे क्या दे देगा करंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं आई से, इसको डिनोट कैसे करते हैं आई से, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है,
करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पेयर। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पेयर, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही मैंने लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट मतलब क्या? डिनोमिनेटर में टाइम, किसका रेट? चार्ज का। तो चार्ज क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में। अगर थोड़ा सा याद हो तो अभी अभी हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा, क्या? एन ई। चार्ज का फॉर्मूला क्या था? एन ई, ठीक है। तो चार्ज की जगह लिखा एन ई अपॉन में टाइम, तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया? करंट का ही दूसरा फॉर्मूला आ गया। दैट सेज क्या? कि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम होता है, क्योंकि करंट की यूनिट एम्पियर होती है, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो अब मेरा धर्म बनता है कि मैं एम्पियर को क्या करूंगी? डिफाइन करूंगी। अब मेरा धर्म बनता है कि मैं किसको डिफाइन करूंगी? तो हम लोग बोलते हैं वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम्ब अपॉन में वन सेकेंड। वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम्ब अपॉन में वन सेकेंड, ठीक है। यानी कि वन एम्पियर इज द करंट, वन एम्पियर इज द करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, दैट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर when a charge of 1 coulomb, when a charge of 1 coulomb flows through it in 1 second. yani ki hum logo ne define banane ke liye kisi bhi unit define banane ke liye kya kara, har cheez ko 1 bana diya. 1 ampere current kab flow hoga? jab 1 coulomb charge, jab 1 coulomb of charge ek cross section se 1 second mein pass ho jayega. so what is 1 ampere? to humne kaha 1 ampere is the current that flows through a conductor when a charge of 1 coulomb flows through it in 1 second. okay.